बेरोजगारी भत्ता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून के विरोध में आज बलरामपुर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे शहर में रैली निकालते हुए उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव का प्रयास किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात थी और कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास पुलिस के साथ इनकी जमकर झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को 2 वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वहीं इस दौरान तमाम लोग उपस्थित भी रहे। जनता युवा मोर्चा द्वारा बेरोजगारी भत्ता के जो नियम है उन्होंने शिथिलकरण के मांग पे ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन दिया है। किस तरह का ये उन लोग का मांग था? मांग था बेरोजगारी भत्ता में जो भी नियम लगे हैं उसमें शिथिलकरण किया जाए। चुनावी जन घोषणा पत्र में जो युवाओं से वादे किए गए थे उन मांगों को लेकर हम आज सड़क पे उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पुलिस किस प्रकार से युवाओं के साथ व्यवहार कर रही है। यही नहीं, आपने रायपुर में भी बेरोजगारों को रोजगार मांगते हुए देखा, वहां भी लाठी चलाई गई। आज हमारे ऊपर पानी के फुहारे फेंके जा रहे हैं। किस प्रकार से युवाओं के साथ डंडे चलाने का प्रयास किया जा रहा है यह छत्तीसगढ़ का युवा नहीं सहेगा। सबको भत्ता, पूरा भत्ता, ये हमारे युवा मोर्चा का मांग है। 1,30,000 अभी तक का बनता है, पूरे 5 साल का भत्ता भूपेश बघेल जी को देना होगा। पूरे 5 साल का भत्ता नहीं देंगे। इसी प्रकार से हम सड़क में युवाओं की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही और बर्बर सरकार को उखाड़ फेंकने में युवा मोर्चा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आज जिला स्तर पर आंदोलन आगे क्या है? हर जिले में आज से प्रारंभ हुआ है, अलग अलग जिलों पे अलग अलग आंदोलन होते रहेंगे। इसको लेकर हम आगे जाएंगे और जब तक युवाओं को पूरा भत्ता और सबका भत्ता नहीं देगी तब तक इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। आज के विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या? छत्तीसगढ़ में जिहादियों की सरकार चल रही है, जो शांतिपूर्ण अपनी मांग को लेकर जाते हैं उनको जो डंडे बरसाए जाते हैं, जो जिहादी किस्म के लोग हैं उनके लिए फूल बरसाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ की सरकार की मानसिकता है।